दोस्तों आप लोग आया है बीजा। हाँ, आपका क्या नाम है, कहाँ से आए थे? जाबिर से नाम है और सुकरौली से आया था मैं, फाजीनगर। फाजीनगर सुकरौली से। आपका नाम क्या पड़ेगा? केत प्रकाश विश्वकर्मा, पिपरा मदन गोपाल से आया। कहाँ से घर पड़ेगा आपका? पिपरा मदन गोपाल। हाँ, पिपरा मदन गोपाल देवरिया। देवरिया में पिपरा मदन गोपाल। मदन ये कहाँ पड़ता है वो गाँव का नाम? महुआडी के पास पड़ेगा। महुआडी के। आपका? गोविंद निचलौल से। निचलौल नेपाल के बॉर्डर से आप आए थे। आप? राजेंद्र। दोनों लोग एक ही साथ आए थे कि यहीं आग मिले थे? अच्छा, घर से आप लोग वीडियो देके निकले, यहाँ पे मिल गए। ठीक है, आप लोग का कितने दिन के अंदर बीजा आया है? 15 दिन का। टिकट वगैरह? अच्छा, टिकट अभी करना है। हाँ, टिकट मिल गया कि? कौन से डेट में फ्लाइट है आपका? 19 तारीख में। देखिए, इतना टिकट है, इतना फ्लाइट निकल रहा है, एक आदमी दिमाग से उधर जा रहा है, एक आदमी उसी को बैठा दिया गया। तुम्हारा काम क्या है? टिकट उकट जो भी है देना। ठीक है, आप लोग आए थे, इंटरव्यू दिए थे, वीडियो ही सारे लोग देख के आए थे। ठीक है, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? आज आपका लोग वीडियो देख रहे हैं। नहीं सर, कंप्लेंट बहुत अच्छी है। कोई दिक्कत है काम कराने में तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप आपके गांव के भी लोग देखेंगे, कुछ बताएंगे उन लोगों को। अच्छा है, यहाँ से काम करा सकते हैं। क्लाइंट आया था कि नहीं आया था? दिल्ली बॉम्बे था कि दुबई का था? दुबई। दुबई का जो मेन फोरमैन था, जो आपका टेस्ट ले रहा था, वो फोरमैन वहीं पे मिलेगा, उसी के अंदर आपको काम करना रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? इस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, तो हम लोग एक बात बताइए, सीधा सीधा काम है। क्लाइंट आता है, काम करवा के देखता है। आपके साथ बहुत से लोग आए थे जो फेल भी हो गए। हुए कि नहीं फेल हो गए? अब जो समझदार आदमी रहेगा वो क्या कहेगा कि यार जो कमी है उसको सुधार करना है। अब जो थोड़ा सा वैसा आदमी रह कहेगा बैग परफेक्ट ब्रो इसमें बेकार में इतना दूर गए, किराया भाड़ा सब हमारा खर्चा हो गया। गलत कर। इंटरव्यू मानने से पहले किसी तरह का पैसा आपसे लिया गया था? वीजा आपको दिया गया और वीजा आपने चेक करवाया कि नहीं? चेक भी करवाया। आप पे तो बहुत भरोसा है, लेकिन चेक करवाया, कोई फर्जी नहीं बताया। हम हर देखिए, जब तक आप दुबई चले नहीं जाते हैं तब तक हमारी जिम्मेदारी है। समझ रहे मेरी बात को? जब तक कंपनी में आप पहुंच नहीं जाते, आपका जो भी पेपर दिया गया, जो भी चीजें दे गया है, सब कुछ का जिम्मेदारी हमारा है। हमारे पेपर के अंदर कोई कमी निकलती है, हम जिम्मेदार हैं उसके। समझ रहे हैं? आपका एक भी रुपया नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप अगर टाइम पे नहीं पहुंचते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, आपके अंदर कोई दिक्कत हो जाती है तो वो आपका प्रॉब्लम है। अब पासपोर्ट है, ले गए बच्चा गोश दिया या पानी से भीग गया, एयरपोर्ट वाले वापिस कर देंगे आपको। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? टिकट वीजा सब ओके, लेकिन आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये सब चीजों का आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जो है जा रहे हैं वहां पे मन लगा के काम करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग जाएंगे, नए नए आदमी वहां पे जो 5 साल से रह रहा है वो आपको भड़का गया, मारा झूठे तुगा गया, बेकार कंपनी बहाई जाओ हुए। और उससे पूछेंगे कितने साल से, कहेगा 3 साल हो गए, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया। समझ रहे हैं नहीं? तो ये सब बातों को ध्यान नहीं देना है, अपना चुपचाप काम करना है। सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी है, आप लोग को नंबर दिया गया है, नंबर दिला है ना, उस पर आपको कॉल करना है। लेकिन किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि आपसे पहले बहुत से लोग उस कंपनी में हमारे काम कर रहे हैं। आप जाएंगे सिर्फ बोलेंगे परफेक्ट ग्रुप से कौन कौन आया है, तो पुराने लोग हैं तो बताएंगे कि हाँ हम भी आए। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात को? तो इत्मीनान से जाइए और आराम से निकलिएगा। ठीक है,